आज हमने रेस्टोरेंट जैसी नान रोटी घर में ही बनाई है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगती है। इसको मैंने ना ओवन में बनाया है और ना ही तवे पर बनाया है। इन नान रोटियों को मैंने कढ़ाई में बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी व्यंजन फ्रॉम मथुरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। नान रोटी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लिया है। इसमें हम मैदा लेंगे 1 कप और 1 बड़ा चम्मच लेंगे दही। अब अच्छा सा टेस्ट देने के लिए इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। अगर आपको मीठा पसंद हो तो आप उसमें 1/2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। इसी के साथ डालेंगे हम 2 पिंच बेकिंग सोडा और 2 पिंच डालेंगे बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। ये देसी घी लिया है मैंने। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके स्मूथ आटा लगाएंगे। मैं इस तरीके से कढ़ाई में अक्सर नान रोटी बनाती हूँ और बहुत ही बढ़िया बनती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इसकी खासियत होती है कि कई मेंबर एक साथ खाना खा रहे हों तो आप फटाफट से बना सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। देखिए, इस तरीके से हमारा आटा लग गया है। अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए ढक कर के रख देंगे, जिससे आटा सेट हो जाए। देखिए, इस तरीके से करीब 1/2 घंटा हो गया है। अब हम हाथ पे थोड़ा सा चिकना लगा करके, चिकना हाथ करके, और इसको 1 बार और मलेंगे। अब देखिए, इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से आटा लगा लिया है। अब हम इसमें से थोड़ा आटा लेकर के हम गोल गोल लोई बनाएंगे। इस तरीके से बनी हुई नान रोटी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लगती है और हम अक्सर देखते हैं कि हम पार्टियों में भी इसी तरीके से खाते हैं। इसका बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। देखिए, इस तरीके से मैंने इसको गोल कर लिया है। अब हम इसको चकली पर रख करके और थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेलेंगे। आप चाहें तो इन नान रोटियों को गोल गोल बेल सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ा सा इस तरीके से लंबा शेप दे सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से ये इसको मैंने बेला है, लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल गोल बना रही हूँ। अब हम इसको रेस्टोरेंट जैसा लुक देने के लिए इस पर थोड़ा सा हम हरा धनिया लगाएंगे और हरा धनिया लगाने के बाद हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो इसको बेलन से इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम रोटी को इस तरीके से पलट देंगे और इस पर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे, जिससे बिल्कुल नान जैसा इसका टेस्ट आएगा। अब हम इसको उठा करके और इस तरीके से हम कढ़ाई में लगा देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई ले रखी है, इसको मैंने प्री हीट कर लिया है। अच्छी तरीके से ये गर्म हो गई है और इस कढ़ाई में से अच्छे से हीट आ रही है। अब हम इस रोटी को लेकर के और इस तरीके से इसमें लगा देंगे। अब हम इसी तरीके से एक और लोई लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और हम उसे अपने पसंद के अनुसार गोल या थोड़ी सी ओवल शेप में बना करके और उस पर थोड़ा सा लगाएंगे धनिया और इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा बेलन से दबा देंगे, प्रेस कर देंगे और फिर से इस रोटी को हम पलट देंगे और पलटने के बाद इस पर थोड़ा सा हम लगाएंगे पानी और इस तरीके से हमारी तैयार हो गई दूसरी रोटी। और इसी तरीके से हम इस कढ़ाई पर इसको भी लगा देंगे। इसी तरीके से हम सभी रोटियां बनाएंगे और इसी तरीके से एक एक करके सभी लगा देंगे। इस तरीके से कढ़ाई में बनाने से फटाफट से हमारी जल्दी जल्दी रोटियां बन जाती हैं और इनका टेस्ट भी बिल्कुल नान रोटी की तरह से आता है। यदि आप एक बार इस तरीके से बनी हुई नान रोटी बना करके खा लेंगे तो आप रेस्टोरेंट की हमेशा के लिए भूल जाएंगे। आप इस तरीके से बनी हुई रोटी को दाल मखनी के साथ, ग्रेवी वाली सब्जी के साथ, मटर पनीर के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। जब हमारी रोटी एक साइड से सिक जाएगी तब हम कढ़ाई को इस तरीके से हटा करके और गैस पर रोटी को सेक लेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार उलट पुलट करके अच्छी तरीके से सेक सकते हैं। इस तरीके से हमारी एकदम से खस्ता करारी रोटी सिक करके तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैं दूसरी सेकती हूँ। देखिए, इस तरीके से हम फटाफट से रोटियाँ सेक सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हमारी सभी रोटियां सिक चुकी हैं। अब हम इस पर लगा देते हैं थोड़ा सा घी और इस तरीके से करारी और खस्ता हमारी रोटियां सर्व करने के लिए रेडी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सर्व हम किस तरीके से कर सकते हैं। आज हम इन रोटियों को रेस्टोरेंट स्टाइल से ही सर्व करेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और उस पर मैंने फॉल पेपर लगा लिया है। देखिए, इस तरीके से, और इस तरीके से लगा करके हम इसमें रखेंगे रोटियों को।
देखिए इस तरीके से लग रही है ना हमारी, बिल्कुल होटल जैसी रोटी जैसे होटल में सर्व करते हैं। देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो ये देखने में भी उतनी अच्छी लग रही हैं, उतनी ही खाने में भी अच्छी लग रही हैं। तो आप इस तरीके से कढ़ाई में रेस्टोरेंट स्टाइल से नान रोटी बनाइए और खाइए, सर्व कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो आप ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती है नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।